आपने हमारी इंदिरा रसोई की भी, 1000 इंदिरा रसोई की भी बुराई कर दी। अरे हमने देखा था बीजेपी के कार्यकाल में, जब खड़े खड़े कूपन कूपन से गंदगी में खड़े खड़े लोग खाना खाते थे, अगर हमने भरपेट बैठा करके सफाई में अगर 1000 जगह पर लोगों को भरपेट खाना अगर खिलवाया है, तो आपको इसका भी धन्यवाद देने में कंजूसी कर दी आपने, तो ये भी बड़ा जोरदार काम है। आप राजे भारतीय सदस्य, आप राजे 4 साल आप पधारो, आपकी पिछली सरकार में बीजेपी के सरकार में 4 साल में 143 करोड़ रुपए गौशालाओं को, नंदीशालाओं को अनुदान दिया गया। हमने 3000 करोड़ दिया। हिंगोनिया में क्या हुआ था आपने देखा, कितनी गायें मरी थी। कल परसों कोटा में कितनी गायें मरी है, 100 से अधिक गायें मर गई। आप गोमाता के नाम से वोट की फसल काटना चाहते हो, गोमाता का भला नहीं करना चाहते। दूसरा आप देखिए सर, नए नए स्वास्थ्य मंत्री जी आए, नए नए स्वास्थ्य मंत्री जी आए। आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को 25 लाख तक का जो इलाज था उसको भी आपने नहीं बख्शा, उसको भी फर्जी और बोगस योजना बता दिया। आपने कह दिया कोई इलाज नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय सदन के माध्यम से कि मंत्री जी को ज्ञान होना चाहिए, 718 लोगों को आर्गन ट्रांसप्लांट चिरंजीवी योजना में हुए थे। हार्ट, लीवर, किडनी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट जैसे इलाज जो लाखों करोड़ रुपए में होते हैं वो हमारी सरकार ने कराया था। इसका तो कम से कम आपको बोलना चाहिए। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। गलत परंपरा मत डालो, एक आदमी नहीं बोलेगा आप में से एक आदमी। माननीय सदस्य 45 लाख, माननीय सदस्य सभापति महोदय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 45 लाख से अधिक परिवारों में 5000 करोड़ रुपए से अधिक का चिरंजीवी बीमा योजना में इलाज हुआ है। ये जनता का इलाज है, बीजेपी कांग्रेस का इलाज नहीं है। आयुष्मान योजना में तो केवल 69 लाख परिवार कवर होते, 5 लाख रुपए थी उसके लिए भी आप गुणगान कर रहे हो, मोदी जी का गुणगान कर रहे हो। राइट टू हेल्थ, आपने राइट टू हेल्थ को भी चैलेंज कर दिया, ये भी गलत हो गया। राइट, बैठ जाओ, बैठ जाओ। फिर आप राजस्थान में मिनिमम इनकम गारंटी है उसकी भी बात आपको सुनने में तकलीफ हो रही है, वो भी आपका अच्छा नहीं लगा आपको। फिर आपको जो है वो शहरों में मनरेगा की तर्ज के ऊपर जो हमने रोजगार की गारंटी 125 दिन की दी वो भी आपको अच्छी नहीं लगी। आपने ओपीएस भी अच्छी नहीं लगी, आपको आरजीएचएस भी अच्छी नहीं लगी, आपको तो कुछ भी नहीं लगा। आपको तो केवल मोदी जी का नाम जपना है, भाई जपो, हमें कहाँ तकलीफ है। मैं 3 लाख नौकरियां, माननीय सभापति महोदय 3 लाख नौकरियों की व्यवस्था की थी, आपने इस अपने अभिभाषण में महामहिम से एक बेरोजगार को नौकरी देने की बात यहाँ पर नहीं कर रहे। उड़ान योजना महिलाओं के लिए किस प्रकार से उपयोगी साबित हुई है, बीमारी उनकी रुकी है, उसके भी आपको बात करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए जल जीवन मिशन में 10% जो जनता को देना था राज्य सरकार दे रही है वो भी आपके तकलीफ हो रही है। आप 70 लाख परिवारों को, 70 लाख परिवारों को सभापति महोदय हमने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया है। अब आप 450 के लिए करीब 50 रुपए दे करके और आप झुंझुना पकड़ा करके लोगों को ये वाई वाई लूटना चाहते हो, ये कहाँ की बात है। 500 रुपए में हम देते थे, आपने 450 में किया। दायरा बढ़ाया हो तो बताओ, दायरा बढ़ाया नहीं। हमने कहा था 1 करोड़ 4 लोगों को देंगे, हम 1 करोड़ 4 लोगों को देंगे, ठीक है हम नहीं आए। आप आगे आप दायरा बढ़ाइए। और गोवंश, गोवंश लंपी में मर गई, केंद्र सरकार आंख मीच के सो रहा था जब हमने 40-40 हजार रुपए दिए, 42 हजार किसानों को 150 करोड़ रुपए की सहायता दी। आप में हिम्मत थी देश के प्रधानमंत्री को, लंपी के लिए हमने चिट्ठी लिखी थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए, आज तक नहीं कर पाए। आप करते कुछ नहीं हो, केवल मोदी के नाम से कितने दिन वोट बटोरोगे, इसलिए सोचना पड़ेगा। माननीय अब 40 हजार रुपए काम देनू 2 पशुओं की दुधारू की, आपने जवाब दिया आज 100 कुछ थे, 80 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन है, आप उसकी वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हो। उन पशुओं का वेरिफिकेशन करवा करके आप उनको 40 हजार रुपए देगोगे नहीं देगोगे एक पशु के ऊपर, ये आपका विजन आना चाहिए था, ये आपका विजन नहीं आया। आपने देखा कि 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को मोबाइल दे रहे थे, 25 लाख दे दिए, आपने दूसरी बात नहीं की। अब मैं कहना चाहता हूँ राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंसी
500 बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं पूरे खर्चे के ऊपर, आपको इसमें भी तकलीफ हो गई। आपको ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की गोलमाल रखना चाहते हो लोकसभा के चुनाव तक, और लोकसभा चुनाव के बाद में हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान मैंने सुना है, ये कह रहे हैं ये तो मोदी जी फैसला करेंगे, स्थानांतरण का फैसला मुख्यमंत्री जी करेंगे, और अंग्रेजी मीडियम चालू रहेंगी बंद रहेंगी, जिसमें 7 लाख बच्चे गरीब के पढ़ रहे हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे। और मुख्यमंत्री जी क्या फैसला करेंगे, किस दिन बोलेंगे देखते हैं भाई, एक दिन भुलवाओ तो सही कैसे बोलते हैं। ये जमाने फिसल रही है ना, ये कुर्सियां भी फिसलते देखी हमने बहुत, जमाने फिसलने को तो रोकिए और कुर्सी नहीं फिसले इसका व्यवस्था आप लोग कीजिए। मैं कहना चाहता हूं आज राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है, आप इससे और ज्यादा 21 काम कीजिए, अच्छा कीजिए। 5 साल हमारे जो काम किए हुए हैं उनका फित्ता काटने में भी आपको समय लग जाएगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, एक मिनट देखो जोगाराम जी भाईचारा निभाओ, सवाल यही है कि आपने कहा कि अपराध बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, अपराध रुक गए क्या? 7 साल के मासूम के साथ मैं बताऊं आपको क्या हुआ है, क्या बात कर रहे हो आप, घर से दूध देने निकली 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, ये बीकानेर की घटना है। आप रावत बाटा की घटना ले लीजिए 20 लड़कियों का अश्लील वीडियो, आप जयपुर की घटना लीजिए बाइक सवार बदमाशों को महिला से मोबाइल, हनुमानगढ़ में पिस्तौल दिखाकर किशोरी को उठा के गैंग रेप, आप नसीराबाद की घटना को ले लीजिए पुलिस की मारपीट से युवक की मौत, और आप दूसरी घटना को ले लीजिए चित्तौड़ की घटना को ले लीजिए, मौत के बाद दिन बाद मोबाइल से खुला सामूहिक बलात्कार कर रहा लाइसेंस से, अजमेर की घटना को ले लीजिए। मैं एक बात पर नहीं जाना था, मैं ये कहना चाहता हूँ अपराध न आप रोक पाए न हम रोक पाए न कोई दूसरा रोक पाएगा, लेकिन एक भय होना चाहिए सरकार का, वो भय अगर आप कायम कर दोगे तो अपराधी डरने लगेंगे। पहले हमने राज देखा था, यहां से गृह मंत्री जी बोलते थे, आज महामहिम राज्यपाल बन गए कि मैं खुद ही अपराधी का नाम ले लेते थे। तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरीके की स्थिति मत कीजिए, ये पर्ची से बनी सरकार है। मैं इसलिए कहता हूं ये पर्ची से इसलिए कि आपने देखा होगा घनश्याम तिवाड़ी जी ने इसी सदन में यहीं से बैठ करके कहा है कि ये पर्ची बड़ी खतरनाक होती है, और जब पर्ची खुली तो सब कईयों के होश उड़ गए। सरकार है राजस्थान की जनता की देव आशीर्वाद की सरकार है ये। हाँ हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद तो दिया ही है ना, तभी तो आप लोग आए हो, लेकिन आपको आपको मंत्रालय अच्छा नहीं दिया, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। आप में जितनी योग्यता नहीं दिया थी, पर आपको प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना इसलिए मुझे थोड़ा दर्द है। कोई बात नहीं, आपके मंत्री इनके मंत्रियों के नमूने बता दूं सर, आज देखा आपने प्रसन्न काल में, दूसरा नमूना बता दूं मैं, इनके बाबूलाल खराड़ी जी बैठे हैं माननीय मंत्री महोदय कैबिनेट मंत्री है, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करो देश के प्रधानमंत्री आवास बना के दे देंगे। आपके शिक्षा मंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि कब ट्रांसफर करोगे क्या करोगे। मान्य है मैं मानता हूं, अध्यक्ष जी मैं एक बात कहता हूं कि आपके मंत्री तो ये कहते थे कि मर्दों का प्रदेश से, ये कहते थे, हमने वो नहीं, यही लाइन आपने लिए गया। अब आप देखो सर, आपने एक काम जोरदार कर दिया आते ही, जोगाराम जी आपने बहुत जोरदार काम किया, आपने जो देश के प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर योजना दी, जो किसानों के लिए उनके बेटों को रोजगार के अवसर बंद कर दिए, और देश की सेना में जो नौजवान जाते हैं उनके हाथों पे हिकों पे कुटाराघात किया, आपने तो मंत्री ही अग्निवीर बना दिया। यहाँ शपथ ली राज्यपाल के और मौर्या बोल गया, क्या बात कर रहे हो आप संविधान को मानते ही नहीं। ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत है, कोई बता दो संवैधानिक व्यवस्था, वो तो संवैधानिक व्यवस्था कहते हैं जनता ने मैंडेट दिया है हम स्वीकार करते हैं, और आप स्वीकार करो कि जनता ने आपको तिरस्कार कर दिया। अगर आपकी योजना इतना बढ़िया थी, इतनी आपकी योजना थी, तो इतने में कैसे सिमट गए, विचार करो। देश के प्रधानमंत्री ये जोगाराम जी क्यों बने, जोगाराम जी संसदीय कार्य मंत्री क्यों बने, ये अपने आप बता देंगे कि मौर्या बोलने से क्या होता है। तो क्या होता है मौर्या बोलना,
नाती के बारे में मौर्य को बंद कर दिया जाता है तो वो बोलता है, उसको कहते हैं मौर्य बोलना। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में, पांच मिनट में मैं मेरी बात समाप्त करूंगा, आपका ज्ञानवर्धन होगा। आप बताइए, हमारे पांच मिनट है आपके पास, पांच मिनट अपनी बात कीजिए। हमारा समय है, आप चिंता ना करें। आप बताइए, आप कह रहे हम अंतरकलह में थे, इनको शर्म नहीं आती? वसुंधरा जी कहां बैठी है? ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है, इनको शर्म नहीं आती? आप देखिए माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष उधर बैठे हैं, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री उसके बराबर में बैठा है, और आप जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, निर्दलीय लोग बैठे हैं, उनके बराबर आप अपनी पूर्व दो बार की मुख्यमंत्री को बैठा रहे, ये अंतर्कलह है? किन किन को मंत्री बनाया, किन को नहीं बनाया, ये अंतर्कलह नहीं है? मुख्यमंत्री जी आपकी मीटिंगों में वसुंधरा जी नहीं जा रही है, ये अंतर्कलह नहीं है? प्रदेश के अध्यक्ष को अच्छी शब्दों में पुकारा गया था, आप बताइए एक प्रदेश के अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, उनको किस शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुकारा था, वो शब्द बोलो। वो शब्द वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ माननीय।